बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हम आईबीएस को डिस्कस कर रहे हैं। हम आईबीएस की बीमारी की डिस्कशन हमारी जारी है। पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि आईबीएस का गोला दिमाग को कैसे जाता है और क्यों जाता है। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके थे कि पहली वीडियो में कि आईबीएस क्या है, फिर हमने डिस्कस किया कि आईबीएस के इलामात क्या हैं। तीसरी वीडियो में हमने डिस्कस किया कि आईबीएस क्यों होता है। इसके बाद फिर हमने कहा कि आईबीएस की पेचीदगियां क्या हैं। हमने ये भी डिस्कस किया कि आईबीएस की डिस्कशन कैसे की जाती है, और पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि आईबीएस का गोला दिमाग को क्यों चढ़ता है और कैसे चढ़ता है। एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन थी जो हमने की। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आईबीएस का इलाज क्या है या आईबीएस का इलाज कैसे किया जाता है। तो नाजरीन, जिस तरह के मैंने आपसे कहा कि आईबीएस की बीमारी को अगर हम मैथमेटिकली देखें तो जीआई सिम्टम्स या गेस्ट्रो के इलामात या मेदे और आंत के इलामात जमा एंग्जाइटी डिप्रेशन इज इक्वल टू आईबीएस। यानी इस बीमारी में अगर एक तरफ पे मैदे की बीमार इलामात हैं जिसमें पेट में दर्द होना, मैदे का फूलना, पखाना सख्त होना, पखाना खराब होना, कभी सख्त कभी खराब होना, अगर ये इलामात हैं तो दूसरी तरफ साथ में इसमें एंग्जाइटी डिप्रेशन, दिमाग पे बोझ, जहनी दबाव ये भी होती हैं, और ये दोनों मिलके आपको आईबीएस बना देती हैं। यानी आईबीएस में एक तरफ के में मैदे की इलामात या मैदे की जो शिकायत होती है और दूसरी तरफ आपको एंग्जाइटी डिप्रेशन। तो मैदे का आईबीएस का इलाज क्या है? इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आप आईबीएस को कंफर्म करते हैं, तशखीस करते हैं, और इसके लिए वो जितनी भी साइड वाली या और बीमारियां हो जो कि आईबीएस की तरह के इलामत दे सकती हैं, पहले हम वो एक्सक्लूड करते हैं कि ये बीमारी नहीं है। और प्योरली आईबीएस पे आ जाए तो एक तो हम ये मैदे की जो ये जो इलामात है इनको हम एड्रेस करते हैं, सेकेंडली हम उसके एंग्जाइटी डिप्रेशन को एड्रेस करते हैं, और दोनों के लिए हम पहले काउंसलिंग करते हैं। मरीज को बताते हैं कि जो आपकी बीमारी है ये जानलेवा नहीं है, ये आपके मैदे और आंतों में जो कोऑर्डिनेशन है वो ठीक नहीं है, वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है, जिसको इस तरह आपको फील हो रहा है नेचुरली, उसमें जो एंग्जाइटी डिप्रेशन है उसके एलिमेंट को हम उजागर करते हैं, उसके साथ डिस्कस करते हैं कि ये एंग्जाइटी डिप्रेशन आपको है, तो एक तो हम उसको एंग्जाइटी डिप्रेशन की जो मेडिसिन है वो हम लाजमन देते हैं कि उसको, वो डिपेंड करता है कि उसको एंग्जाइटी ज्यादा है, डिप्रेशन ज्यादा है, किस तौर पे है, किस तरीके से, क्या इश्यूज हैं, वो हम थोड़ा सा एड्रेस करते हैं, और एंग्जाइटी डिप्रेशन की मेडिसिन इसको इस मरीज को देनी होती है। इसके बाद जो आईबीएस के अपने जो इलामात हैं, अगर पेट में दर्द हो रहा है, पेट फूलता है, तो फिर हम कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिसको प्रोकाइनेटिक्स बोलते हैं कि जो कि उबारपन या गेज इनको कम करती हैं, हम वो उनको देते हैं आईबीएस के मरीजों को। इसके अलावा अगर आईबीएस के मरीजों को डायरिया है तो फिर एंटी डायरियल हम इसको देते हैं, ऐसी दवाइयां देते हैं कि उनकी आंत वो दस्त कम हो जाए, खत्म हो जाए, और अगर उसको कॉन्स्टिपेशन है तो कुछ ऐसी दवाइयां देते हैं कि उसका कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो जाए। स्मॉल इंटेस्टाइनल जो पेन होती है या इंटेस्टाइनल पेन होती है, वो पेन को खत्म करने के लिए कुछ स्मूथ मसल रिलैक्सेंट्स होती हैं, कुछ दवाइयां होती हैं, वो हम इनको देते हैं। कभी कभार इन मरीजों को हम प्रोटॉन इनहिबिटर्स या पीपीआई एसिड की दवाइयां भी लाजमन हम दे देते हैं। इसके अलावा चूंकि हम टेस्ट तो कर लेते हैं लेकिन फिर भी शायबा रहता है कि कोई इंटेस्टाइनल आम इन्फेक्शन ना हो, स्पेशली ये अमीबा ना हो या जियाडिया ना हो या और इंटेस्टाइन हो, तो वो एक शॉर्ट कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स भी हम उसको दे देते हैं कि अगर कनकोमिटेंट या दोनों बीमारियां साथ साथ में हो तो वो एलिमेंट भी हम हटा देते हैं। स्मॉल बाउल या स्मॉल बाउल बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ या जो और जो फ्लोरा चेंज होता है उसके लिए हम कुछ और दवाएं होते हैं, एंटीबायोटिक्स, लोकल एक्टिंग एंटीबायोटिक्स होती हैं, रैफेक्समीन टाइप, वो हम देते हैं कि आया ये गेस या प्रीडोमिनेंट डायरिया है कि नहीं है, वो फिर डॉक्टर आपको डिसाइड करता है, वो आपको देता है, ये हो जाता है। इसके अलावा बैक्टीरियल फ्लोरा को उस पर अच्छे इफेक्ट डालने के लिए फिर हम प्रोबायोटिक्स वगैरह उनका भी इस्तेमाल करते हैं कभी कभार इन मरीजों में कि जब इनको इनकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा जो
मजीद ऐसे मरीजों के लिए हम डाइट्री एडवाइस करते हैं, अमूमन देखते हैं कि कोई खुराक में अगर ऐसे कोई चीज़ है कि ऐसे कोई कंपोनेंट है कि जिससे इनको ये इलामत होती है, पर हम कहते हैं कि ये खुराक की चीज़ ना कहें। मसलन कभी कभार किसी शख्स को अंडे से एलर्जी होती है, किसी को दूध से एलर्जी होती है, किसी को सी फूड से एलर्जी होती है, किसी को नट्स या इन चीज़ों से एलर्जी हो जाती है, तो फिर हम बोलते हैं कि चलो इन चीज़ों को कुछ अरसे तक बंद कर दें जब तक कि आपकी इलामत या इंटेस्टाइन्स ठंडी ना हो जाए। ठीक है, किसी को चावल से हो जाती है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, किसी को दाल लोबिया वगैरह से ये गैस वगैरह बनती है, पर हम कहते हैं कि ये चीज़ें ना कहें। ये हर मरीज को हम नहीं बोलते, सिर्फ उन मरीजों को बोलते हैं कि जब हिस्ट्री में बताती है कि ये चीज़ें खुराक की चीज़ें ये इलामात बढ़ाती हैं या सिम्टम्स एग्रेवेट करती हैं, फिर हम बोलते हैं कि ये चीज़ें आप इस्तेमाल ना करें। अगर किसी शख्स को कॉन्स्टिपेशन है तो हम उसको फाइबर्स एडवाइस करते हैं कि आप फाइबर की चीज़ें लें, फाइबरस चीज़ें लें, तो वो हम करते हैं। और अगर किसी को डायरिया है तो हम वो जो फाइबरस लेस फाइबरस की चीज़ें हम उनको एडवाइस करते हैं। लेकिन मेडिसिन में अगर हम आ जाएं तो एक तो ये कि सबसे पहले काउंसलिंग, ऐसे मरीज की काउंसलिंग, इसको समझाना कि आपकी बीमारी है क्या और आपकी बीमारी में हमें हमारे टारगेट्स क्या हैं और हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इसके बाद फिर हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं कि जो जो इलामत होती हैं वो कवर अप हो जाती हैं, एब्डोमिनल पेन या एब्डोमिनल स्ट्रेस या ब्लोटिंग, और उसके बाद फिर अपना एंटीडायरियल्स या एंटीकॉन्स्टिपेशन ड्रग्स हम इनको देते हैं। ये याद रखिएगा, चूंकि मैंने आपसे बहुत दूसरी वीडियो में बहुत बोला था कि आईबीएस या तीसरी में बोला था कि आईबीएस न तो ये इन्फेक्शन है, तो इसलिए इसमें पर से अपने तौर पे एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है। हाँ जी, एसोसिएटेड कंडीशंस जो दे सकती हैं हम उनके लिए एंटीबायोटिक देते हैं। मैंने कहा था कि ये कैंसर नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको ऐसी चीज कीमोथेरेपी या सर्जरी की जरूरत नहीं होती है। आईबीएस के मरीज में किसी भी किस्म की सर्जरी की जरूरत नहीं होती है। मैं कभी कभार अपने मरीजों के साथ हंसता हूँ, मैं कहता हूँ यार अगर कोई रबर या प्लास्टिक की मैदा आए और आंते आई तो मैं आपके लिए बदल दूंगा, लेकिन फिलहाल मुंह मजाकन बोल तो मैंने कहता हूँ अभी तक चाइना ने ऐसे कोई, क्योंकि चाइनीज सब कुछ ये तमाम चीजें चाइना ही बना के लाती है, अजीब अजीब कॉन्सेप्ट आते हैं, मैं कहता हूँ चाइना ने अभी तक ऐसे कोई प्लास्टिक का मैदा या प्लास्टिक की इंटेस्टाइन नहीं बनाई है कि वो मैं आपके इंटेस्टाइन में डाल दूं, तो फिलहाल इसी पे गुजारा कीजिएगा। तो काउंसलिंग इनके लिए चाहिए होती है और उनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देनी होती है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और ये भी याद रखिएगा कि आईबीएस का मरीज कोई एक दो महीने में ठीक नहीं होता, वो जरा पहले जो उसकी मेडिसिन सिम्टम्स ज्यादा होती हैं तो उनको जरा हैवी मेडिसिन देनी होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम मेडिसिन हटाते हैं और अमूमन ऐसे मरीज 3-4 महीने ले लेते हैं उनके इलामात को ख़त्म होने में और काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। लेकिन एक बात एंड में बोलूँगा कि आईबीएस के मरीजों को अपने आईबीएस के इलामात के साथ रहना या जीना सीखना पड़ता है। तो मेरे पास मरीज आता है कि डॉक्टर साहब मुझे तो कोई 5-7-8 साल हो गए मुझे डायरिया है, कोई बोलता है मुझे तो 5-8 साल हो गए मुझे कॉन्स्टिपेशन है, कोई बोलता है कि मुझे तो 5-8-10 साल हो गए मुझे ब्लोटिंग है, मुझे गेज बनती है, मैं क्या करूं। तो मैं कहता हूँ यार ये 8-10 साल क्या ये काफी अरसा नहीं है कि आपको इस ऐसी इन इलामात की आदत पड़ जाए? अभी तो आपको आदत पड़ गई होगी, जब आदत पड़ गई तो बस गुजारा करो। मैं मजाकन उनसे बोलता हूँ और फिर उसे ये भी बोलता हूँ कि देखिए इन इलामात ने 5-8 साल तक आपके साथ रहे लेकिन आपकी जिंदगी को अल्हम्दुलिल्लाह कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, तो ये मत डरिएगा कि इससे कोई खतरनाक बीमारी बन जाएगी या कोई जानलेवा होगा। तो ये काउंसलिंग चाहिए होती है, मरीज की बात सुननी होती है, उनकी जो इलामात होते कंसर्न होते हैं उनको सुनना होता है और फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली आपने उसको ट्रीटमेंट देनी होती है। तो नाजरीन मैं यहाँ पे एंड करूंगा, अगली वीडियो में एक और गैस के आईबीएस के और ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट के साथ हाजिर खिदमत होऊंगा। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।